हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द काइट कंप्यूटर एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम लोग विंडोज़ में नोटपैड के साथ वर्क करना सीखेंगे। तो आइए हम लोग सबसे पहले नोटपैड को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो स्टार्ट के लिए आप यहां से स्टार्ट पे आएंगे, देन यहां से टाइप करेंगे नोटपैड। तो आप देख रहे हैं यहां पे टाइप करते हैं हम लोग यहाँ पर NOTE। तो आप जैसे नोट टाइप किया, आपका फाइनली यहाँ पर नोटपैड आ गया। इट मीन्स आपको ये आइकन शो कर रहा है। ये आइकन को यदि ओपन करना है, इट मीन्स इसको हम लोग को नोटपैड ओपन करना है, तो हम लोग इस आइकन पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। जैसे हम लोगों ने लेफ्ट क्लिक किया, आपने देखा कि यहाँ पे हमारा नोटपैड की स्क्रीन ओपन हो गई। यहाँ पे हम लोगों का शो कर रहा है अनटाइटल्ड नोटपैड, इट मीन्स कि ये आपका टाइटल बार है। देन यहाँ पर हमारा शो कर रहा है मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन, मैक्सिमाइज एंड ये क्लोज। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू, हेल्प, इसको हम लोग मेन्यू बार बोलते हैं। और इसमें हमारा बहुत सा ऑप्शंस होता है। आप देख रहे हैं हर मेन्यू के अंदर कुछ ना कुछ ऑप्शन शो कर रहा है। तो हम लोग इस ऑप्शंस को बारी बारी से जानेंगे। देन ये हमारा ब्लैंक पेजेस शो कर रहा है। इस पेजेस पर आप कुछ भी एडिट कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पर कुछ भी एडिट करते हैं गाइड, तो आपने देखा कि यहाँ पर कुछ भी हमारा एडिट करने से वो चीज़ एडिट हो जाता है। तो हम लोग आइए हम लोग फाइल के वर्क को बारी बारी से जानते हैं। तो फाइल में हमारा सबसे पहला है न्यू। न्यू मींस आप कोई भी न्यू ब्लैंक पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग न्यू पे क्लिक करते हैं। जैसे आपने न्यू पे क्लिक किया, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, डू यू वांट टू सेव चेंजेस टू अनटाइटल्ड। क्या इस अनटाइटल्ड वाले फाइल को क्या आप सेव करना चाहते हैं? यदि नहीं तो डोंट सेव करेंगे। तो आप देखेंगे हमारा न्यू एडजस्ट हो गया। अब हम लोग सबसे पहले फाइल को सेव करते हैं। तो फाइल को सेव करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कंटेंट कुछ भी टाइप करते हैं। फॉर एग्जांपल टाइप कर रहे हैं यहाँ पे, दिस इज माय फर्स्ट नोटपैड पेज। देन यहाँ से हम लोग सेव पे आएंगे और यहाँ जिस नाम से भी आप सेव करना चाहते हैं वो नाम चूज़ करेंगे और यहाँ पे नाम टाइप करेंगे। देन यहाँ पे हमारा शो कर रहा है आप कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। इट मीन्स यदि आप डेस्कटॉप पे सेव करना चाहते हैं तो यहाँ से हम डेस्कटॉप चूज़ करेंगे। आप माय डॉक्यूमेंट्स में सेव करना चाहते हैं तो माय डॉक्यूमेंट्स चूज़ करेंगे। तो आप जहाँ पर भी सेव करना चाहते हैं हम वो एरिया को चूज़ करेंगे। बाय द वे हम लोग डेस्कटॉप पर सेव करना, डेस्कटॉप सेलेक्ट करेंगे, यानी यहाँ से सेव। आप देखेंगे कि हमारा जो अनटाइटल्ड नोटपैड था ये फाइनली इसमें एक टाइटल आ गया। इट मीन्स ये काइट के नाम से सेव हो गया। आइए इसको हम लोग न्यू करते हैं। अब हम लोग यदि ओपन का वर्क करते हैं तो ओपन के लिए ओपन पर क्लिक करेंगे। देन हमारा यदि हमको काइट ओपन करना है तो यहाँ से काइट चूज़ करेंगे एंड ओपन पर क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि हमारा काइट नाम से जो फाइल था वो ओपन हो गया। नेक्स्ट इट सेव इज। सेव इज़ का मतलब होता है कि आप सेम फाइल को यदि किसी दूसरे नाम में सेव करना चाहते हैं। इट मीन्स आपका जो काइट नाम से फाइल है बिफोर फाइल, वो ओल्ड फाइल तो रहेगा ही, बट वही सेम कंटेंट दूसरे नाम से भी सेव हो जाएगा। इसके लिए हम लोग सेव इज़ करते हैं। तो हम लोग जैसे सेव इज़ पे आएँ, आपने देखा कि काइट जो है वो सेलेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हम लोग कोई भी दूसरा नाम ऐड कर सकते हैं। जैसे कोई भी दूसरा नाम हम लोग ऐड करते हैं, निखिल, के एच आई एल, निखिल। और यहाँ से हम लोग सेव वाले बटन पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारा यही सेम कंटेंट निखिल नाम से सेव हो गया। आइए हम लोग इसको चेक करते हैं। न्यू पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ से ओपन पे आते हैं और देखते हैं कि निखिल में हमारा सेम कंटेंट है या नहीं। तो यहाँ पे निखिल पे क्लिक किए और यहाँ से ओपन किए, आपने देखा कि वही सेम कंटेंट हमारा जो काइट के अंदर था वही सेम कंटेंट हमारा निखिल के अंदर एडजस्ट हो गया। नेक्स्ट है पेज सेटअप। पेज सेटअप होता है टू सेट द पेज फॉर प्रिंटिंग। इट मींस कि यदि आप प्रिंटिंग के लिए पेज सेट करना चाहते हैं तो पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा सबसे पहला में साइज शो कर रहा है। इट मींस आप पेपर का क्या साइज रखना चाहते हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल साइज ऑफ द पेज A4 होता है, आप B5, लीगल, लेटर साइज, आप जो भी साइज का पेजेस एडजस्ट करना चाहते हैं वो साइज़ का पेजेस हम लोग इस पर एडजस्ट करेंगे। देन यहाँ पे ओरिएंटेशन शो कर रहा है। ओरिएंटेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक पोर्ट्रेट, एक लैंडस्केप। पोर्ट्रेट हो जाता है कि आप देख रहे हैं कि ये हमारा नॉर्मल व्यू, इट मींस ये पोर्ट्रेट है और आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये हमारा
लैंडस्केप व्यू होता है, तो आप जिस तरह से भी प्रिंट के लिए एडजस्ट करना चाहते हैं उस तरह से एडजस्ट करेंगे। देन यहाँ से हम लोग यहाँ पे मार्जिन सेट कर सकते हैं, आप जितना भी मार्जिन्स देना चाहते हैं, इट मीन्स एक इंच मार्जिन्स देते हैं, देन इसमें भी हम लोग एक इंच मार्जिन्स देते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमको प्रीव्यू शो कर रहा है, इसमें बाय द वे हम लोग 2 इंच मार्जिन्स देते हैं और इसमें हम लोग 2 इंच मार्जिन, आपने देखा कि यहाँ पे हमारा इसका प्रीव्यू शो, इस तरह से आपका फाइनली स्क्रीन शो करेगा। देन यहाँ पे आपका हेडर शो कर रहा है कि आप हेडिंग क्या डालना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लोग हेडिंग डालते हैं काइट और फुटर, इट मीन्स आप नीचे में क्या डालना है, हेडिंग में हेडर आ जाएगा देन फुटिंग में फुटर आ जाएगा, आप जो भी फुटर डालना चाहते हैं मिस्टर विकास। और यहां से जैसे ओके करेंगे हमारा उस चीज के लिए पेज जो है फाइनली सेट हो जाएगा, और जब भी आप प्रिंट मारेंगे फाइनली प्रिंट करने के लिए तो आपका प्रिंट उसी बेसिस पे निकलेगा, यही सेम कंटेंट। नेक्स्ट है प्रिंट, यदि आप जैसे प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप किसके ज़रिए प्रिंट मारना चाहते हैं, तो आप जिस भी प्रिंटर के ज़रिए प्रिंट करना चाहते हैं वो प्रिंटर चूज़ करेंगे। देन यहाँ से नंबर ऑफ़ कॉपीज़, कितनी कॉपी में आप प्रिंट करना चाहते हैं तो फाइनली यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, और यदि जितना भी हम लोग चाहते हैं करेंगे देन यहाँ से प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका प्रिंट होके निकलेगा। अभी हम लोग प्रिंट नहीं करते हैं इसको। एंड नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे एग्ज़िट, आप जैसे एग्ज़िट पे क्लिक करते हैं आपका जो ओपन एप्लीकेशन है वो क्लोज़ हो जाता है। आइए हम लोग एग्ज़िट करते हैं, आपने जैसे एग्ज़िट किया आपका ओपन एप्लीकेशन क्लोज़ हो गया। थैंक यू।